from SX250 here in front of you, ladies and gentlemen. सभी भाइयों का स्वागत है भाई एक बार फिर से नए ब्लॉग में. और संडे है, तैयार हो गया हूँ भाई मैं एक इवेंट में जाने के लिए. सुजुकी का एक लॉन्च है, उस लॉन्च में जाना है. RJYC राजस्थान जावा यसडी क्लब की तरफ से जा रहा हूँ मैं. हम लोग 10 बंदे आएंगे. तो बेसिकली मेरा मोटिव तो उनसे मिलने का है. मेरे को लॉन्च से तो कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है, बट एक मिलना हो जाएगा. अपना GoPro लगा लिया है, आ गए थे चिराग भाई, ले आए थे GoPro लगा लिया है. और अब निकल रहा हूँ घर से. गर्मी का आलम देख रहे हो भाई, पसीने क्या हाल हो गया गर्मी से, बुरा हाल हो रहा है. राजस्थान में भाई क्या कर सकते हैं, गर्मी तो रहेगी रहेगी, इसका तो अपन कुछ कर ही नहीं सकते. बट इवेंट मिस नहीं कर सकते इस चीज़ के लिए. तो यूटिलाइजेशन हो रही है, एक रिक्शा में एक ट्रक का माल जा रहा है भाई. एक्चुअली यहाँ पे क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस तो है भी और नहीं भी है, दोनों ही है. शरीफ आदमियों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस है, बाकियों के लिए तो कुछ भी नहीं है. इसलिए कुछ भी करो, इससे किसी को भी कोई भी परेशानी हो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई. अब अपने को जाना है पुल के ऊपर से. भाई 125 आदमियों में से 10 आदमियों ने यहाँ भरी थी और अभी उन 10 में से 4 ही पहुँचे. इंतज़ार कर लिया बहुत, बज गए 5. अब निकल रहे हम लोग अपनी डेस्टिनेशन में. चलें भाई, चलो सर. चलो फिर मिलते हैं आपको पाव में. और भाई जिस काम के लिए आए थे वो स्टार्ट हो गया है. और कैसे कहाँ पे फंक्शन शुरू हो गया. बाइक जो है ये सामने बाइक्स हैं, अभी तो बोर्ड लगा हुआ है, करेंगे इसको रिवील. ये सामने भाई ट्रैक बना रखा है जिसपे ये लोग सब सिखाते हैं शायद. ये ट्रैक है, कितनी होगी जगह, मेरे ख्याल से 4-5 बीघा होगी भाई टोटल जगह. वो भी आउटस्कर्ट्स में, बिल्कुल आउटस्कर्ट्स में. ठीक है, जिसको सीखनी है उसके लिए तो बढ़िया जगह भाई. ये हमारे जो जो भाई हैं, हमें बहुत दिनों बाद मिले आज. So good to see you after a long time and it was so much fun. और ऐसे इवेंट्स में ही मिलते हैं, वैसे सड़क पे नहीं मिलते चलते हुए कभी. अब हम मिलेंगे, अब हम पक्का पक्का मिलेंगे. ये हमारे RJC वाले भाई जो है ना, इनकी लॉयल्टी जावा और यसडी से खत्म होती दिख रही है. अब सब सुजुकी की तरफ देख रहे हैं, मतलब इतने ध्यान से देख रहे हैं कि अब उसको बदलेंगे. सबका मूड यही है कि जावा बेचेंगे, अब इनकी लॉयल्टी हो गई खत्म जावा के साथ. ये भाई 650 वाला मॉडल है, 650 CC, इसका नाम है वी स्टॉर्म. खैर बाइक तो बढ़िया है भाई, बाकी टेस्ट ड्राइव लेंगे. यहाँ तो लेंगे नहीं इतनी भीड़ में, अपन देंगे प्रॉपर जिस दिन किसी दिन ऋषभ पे जाके. भाई इवेंट तो चल रहा है, हम निकल गए. और यहाँ पे देखो बाइक्स भांति भांति की, 100 CC से लेकर, और भूसा कहाँ गई, भूसा ले गया भाई, गई ना भूसा गई. ये देखो ये सब तरह की एक्सपल्स, ये रॉयल इनफील्ड, फिर हमारी 3-4 जावा उधर खड़ी हुई हैं. बाकी भाई सुजुकी की ट्राई लेंगे किसी दिन जाके वहीं पे, यहाँ तो क्या लेते हैं ना. अब हम जा रहे हैं एक राइड पे चंदलाई. भाई चंदलाई जा रहे हैं ना, चंदलाई जा रहे हैं भाई. देखते हैं क्या है चंदलाई में. भाई ने गूगल पे पानी दिखा दिया है और वहाँ असली में पानी नहीं मिला. बोतल से खरीद लेंगे और तो क्या करेंगे, है ना. तो चलना तो है ही, संडे एक राइड बनती है, होकर आते हैं भाई राइड पे. फिर शाम को आएंगे चिराग भाई को लेने जाएंगे स्टेशन.
कल सुबह पासपोर्ट बनाएंगे और कल फिर हमारा रेडर्स क्रू का इवेंट है ही। भाई लोगों, चंदलाई लेक मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ आज। अर्जुन भाई ने बोला दिखा के लाते हैं, तो उनकी बदौलत हम यहाँ आ गए। पानी पानी है भाई, और राजस्थान में पानी दिख जाए तो इससे बढ़िया तो क्या ही हो सकता है। बहुत बड़ी झील है, एंड दिखाई नहीं दे रहा, वो सामने शायद पेड़ होंगे, वहाँ कहीं पर एंड होगा। खूब पानी है भाई दबा के। जयपुर का जाम देख रहा हूँ, इंडिया का जाम हो रहा है। यूपी बाईपास के अंदर घुसाते हैं इसके जवाहर सर्कल वाले पूरा चिराग भाई आ गए भाई। हेलो, गुड़गांव से इनको ले लिया, पिकअप कर लिया है। अब जाएंगे घर पे, घर पे रुकेंगे, फिर कल इनका पासपोर्ट का काम है, वो करने के बाद फिर हम निकलेंगे अपनी पार्टी में, टीआरसी की पार्टी में। बिल्कुल, तो व्लॉग रहेगा कल तक के लिए कंटिन्यू भाई, और फिर मिलते हैं कल सुबह। अभी तो जाएंगे भाई, इसके आगे का दिखा नहीं सकते।